नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वायुसेना ने अपनी 85वीं सालगिरह के मौके पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर अपना दूसरा टच डाउन ऑपरेशन किया। कई घंटों तक लड़ाकू विमानों का टच एंड गो लैंडिंग अभ्यास में देश का दम दिखा। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को हाईवे पर टच एंड लैंड कराने का ये अभ्यास बेहद ही रोमांचक था। इस अभ्यास के जरिए वायुसेना ने फिर यह साबित कर दिया है कि हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। देश के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को सड़कों पर टच एंड लैंड कराकर 85वें स्थापना दिवस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लोगों ने वायुसेना के इस कौशल का प्रदर्शन देखा। वायुसेना ने अपनी 85वीं सालगिरह के मौके पर मंगलवार को सड़क पर इतिहास रच दिया। सुबह करीब 10 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों का टच एंड गो लैंडिंग अभ्यास शुरू हुआ। कई घंटों तक चले इस अभ्यास में एक के बाद एक एयरफोर्स के कई विमानों ने टच डाउन किया। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक 35,000 किलोग्राम वजन वाले मालवाहक विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस ने लैंड किया। इस विमान से गरुड़ कमांडो नीचे उतरे और उन्होंने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा का जिम्मा संभाला। ये पहला मौका था जब C-130J एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के स्पेशल ड्रिल के लिए किया गया। इससे पहले वायुसेना ने मिराज 2000 और सुखोई फाइटर विमानों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर अभ्यास किया था। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक मिराज, जैगुआर और सुखोई जेट्स के फ्लीट ने टच डाउन किया। वापस अपने अपने बेस की तरफ बढ़ गए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अपने खतरनाक फाइटर जेट से लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। सुपर हरक्यूलिस विमान अमेरिका में बना है। इस सैन्य परिवहन विमान में 4 टर्बोप्रोप इंजन लगे हैं। ये विमान हवा में ईंधन भरने और लोडर का काम करता है। साल 2008 में भारतीय वायुसेना को पहला हरक्यूलिस विमान मिला। इसमें इतना पानी भरा जा सकता है कि जंगल में लगी आग को बुझाया जा सके। इस विमान में तोप, गोला बारूद, सैनिकों के लिए साजो सामान वगैरह ले जाया जा सकता है। अभ्यास में 20 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, वायुसेना और पुलिस प्रशासन पिछले कई दिन से तैयारियों में जुट रहा है। एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास वाले सिरे बांगरमऊ के पास ये तैयारियां चली। एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30, MKI, मिराज, जैगुआर, लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, सुपर हरक्यूलिस और MI-17 हेलीकॉप्टर अभ्यास में शामिल हुए। दुश्मन सबसे पहले देश की लड़ाकू विमानों के उतरने वाली हवाई पट्टी पर बम गिराता है। ऐसे में दूसरी जगह से विमान उड़ान भर सके, ये इस अभ्यास का मकसद था। वायुसेना के 4 स्टेशनों पर इन विमानों ने उड़ान भरा और एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया। इसको लेकर एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह से आवाजाही बंद कर दी गई थी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ताज एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने कारनामे दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। ऐसा अभ्यास प्रदर्शन में C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान भी शामिल हुआ। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई स्ट्रिप में सबसे पहले ग्लोब मास्टर उतारा गया। इस विमान की क्षमता 19,300 किलो टन है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता आलोक गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये C-130 हरक्यूलिस विमान है, मालवाहक विमान है, जिसकी क्षमता 19,500 केजी की है, यानी कि 19 टन का सामान इसमें लादा जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें टैंकर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ये अपने अंदर रख सकता है और किसी भी इमरजेंसी में उन गाड़ियों को, उन सामानों को लेकर जा सकता है। इस हरक्यूलिस विमान में
गरो कमांडो हैं, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा रणनीति में माहिर, कौशल में माहिर वो गरो कमांडो हैं, जिनको की लेकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इस हरकुलस विमान ने इस हवाई पट्टी पर लैंड किया है और लैंड कर रहा है। और इसमें से जो कमांडो है, गरुड़ कमांडो है, वो उतरेंगे। इन कमांडोस को उतार कर यह विमान वापस निकल जाएगा। देखिएगा, भारतीय वायुसेना का सबसे रोमांचक पल है यह हरकुलस विमान है, C-130। ये रुक गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर। इस विमान से गरुड़ कमांडो है जिनको ये उतारेगा। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए एक ऐतिहासिक पल है, सर्वाधिक ऐतिहासिक पल है भारतीय वायुसेना के लिए, जो कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस विमान को भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, उन्होंने कुशलतापूर्वक उतारा। आप देख सकते हैं कि इस विमान के पीछे से गरुड़ कमांडो उतर रहे हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो निपट सके। इन कमांडोस को उतारेगा ये, और कमांडो को उतारने के बाद ये विमान एक बार फिर से फ्लाई करेगा। सबसे महत्वपूर्ण पल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरकुलस C-130 जो कि मालवाहक विमान है, और जिसके अंदर से देखिए एक गाड़ी भी निकल रही है। और इस विमान की खास बात यही है कि ये 19,500 केजी की ये क्षमता रखने वाला है ये मालवाहक विमान, युद्धक विमान। इसमें कमांडो निकले, किस तरीके से जिप्सी आपके सामने से निकलती हुई दिखाई पड़ रही, जिस पर जवान भी है। ये एक ऐतिहासिक पल है निश्चित तौर पर। यूपीडा जिन्होंने इस पद को बनाया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे को बनाया है, उनको वो भी मान रहे होंगे कि उनकी जो मेहनत थी वो सफल रही है। हमारी स्क्रीन पर सीधे C-130 हरकुलस विमान है। समय के लिए बांगरमऊ से यानी ग्राउंड जीरो से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। हरक्यूलिस विमानों के बाद मिराज विमानों ने भी लोगों को खूब लुभाया। ताज एक्सप्रेस वे पर मिराज 2000 ने करतब दिखाए। मिराज की क्षमता 17,000 किलोग्राम है। विमान ग्वालियर एक्सप्रेसवे से उड़कर उन्नाव के बांगरमऊ पहुंच गया और कुल 9 इसमें जीरो ग्राउंड से देखिए आलोक गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर C-130 हरकुलस विमान उतरने के बाद आसमान जो है मिराज विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। 6 मिराज विमान है जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की स्ट्रिप पर अलग अलग समय में उतरेंगे इस रनवे पर और टच डाउन करेंगे। ये 6 के 6 विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर वो 1x1 करके आपको दिखाई पड़ेंगे कि किस तरीके से टच डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हरकुलस C-130 विमान जो कि मालवाहक विमान है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उतरा है, उससे गरुड़ कमांडो उतरे हैं, और उसके बाद से इसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की स्ट्रिप पर मिराज विमान जो कि ग्वालियर एयरबेस से उड़े हैं, लड़ाकू विमान हैं, दुश्मन को दांत खट्टे करने वाले हैं, ये दुश्मन के छक्के छोड़ाने वाले ये मिराज विमान है जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जो कि टच डाउन कर रहे हैं। और ये नजारा भी अद्भुत है, आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स के इस कौशल को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो टकटकी लगाए खड़े हैं, सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से वो एयरफोर्स के इन विमानों का करतब को देखें, अपनी आंखों से वो इस नजारे को देखना चाहते हैं। और आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना ने किया है, जिस तरीके से युद्धाभ्यास का कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जो पड़ोसी मुल्क है चाहे भारत हो या फिर चीन, इन दोनों के लिए इस बात का संकेत भी है कि भारत हर एक क्षेत्र में, युद्ध के हर एक क्षेत्र में काफी मजबूत है, और हर तरीके के जो तैयारियां हैं वो उसकी पूरी हो चुकी हैं। समय के लिए कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ बांगरमऊ से आलोक गुप्ता। जी हाँ, तो आज एक्सप्रेस वे पर देश की ताकत दिखी और इस रोमांच को आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ताज एक्सप्रेस ब्रेक पर। भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान सुखोई 30 ने भी टच एंड डाउन किया और करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित किया। सुखोई की भार वहन क्षमता 38,000 किलोग्राम है। लड़ाकू विमान में सुखोई की रेंज 3,000 किलोमीटर है। देखिए संवाददाता आलोक गुप्ता की ये रिपोर्ट। हरकुलस C-130 हरकुलस मालवाहक विमान और उसके बाद में मिराज विमान जो कि ग्वालियर बेस से उड़े हैं और मिराज के बाद में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सुखोई विमान और इसके आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से कमांडो बैठे हुए हैं, भारतीय वायुसेना के सैनिक बैठे हुए हैं। ये बरेली के एयरबेस से उड़ा है। 6 ऐसे विमान हैं सुखोई विमान जिन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बागरमऊ में जो स्ट्रिप है उसको टच डाउन किया है। उस स्ट्रिप पर उस विमान के पहिए छूते हुए गए हैं और विमान में इस लड़ाकू विमान में कमांडो भी बैठे हुए हैं जो कि हर पल किसी भी पल किसी भी समय में वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, एक मील का पत्थर साबित होने वाला दिन है जहाँ बागरमऊ में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर मिराज विमानों ने सुखोई विमानों ने हरकुलस 130 विमानों ने टच डाउन किया और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको दिलों को भी छूने का काम किया है और लोगों में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। समय के लिए बागरमऊ से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। सुखोई के बाद नंबर था जगुआर विमानों का। ताज एक्सप्रेस वे पर जगुआर टच डाउन किया उसने और फिर करतब दिखाए। जगुआर की परिवहन क्षमता 4500 किलोग्राम है। बरेली से भी 6 मिराज विमान आए और शक्ति का प्रदर्शन किया। आलोक गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। मालवाहक विमान C-130 हरकुलस मिराज सुखोई के बाद ये जगुआर विमान है इसने टच डाउन किया है। कमांडोज यहाँ पर पोजीशन लिए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कमांडोज ने भी यहाँ पर पोजीशन ले रखी है। सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोगों का ग्रामीणों का यहाँ पर जमावड़ा है और एक एक पल का वो अनुभव कर रहे हैं, इस रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। ये जो विमान अभी यहाँ से गया है लड़ाकू विमान जगुआर है और जिसने की कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और कारगिल युद्ध में भी भारत को विजय दिलाने में सफलता हासिल की थी और इन विमानों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर सफलतापूर्वक अपना टच डाउन किया है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात के गवाह बने हैं कि किस तरीके से जगुआर विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े का सबसे अहम हिस्सा है। ये दूसरा जगुआर विमान है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव से गुजरा है और लोग सांस थाम कर इसकी गड़गड़ाहट को सुन रहे हैं। धरती भी गूंज रही है और आसमान भी गूंज रहा है और किस तरीके से ये तीसरा जगुआर विमान है। हम अपने सारा समय के दर्शकों के लिए खास तौर पर ये कवरेज कर रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर। कान के पर्दे को भी हिलाने वाली आवाज है, दिल थाम कर लोग इस रोमांचक दृश्य को देख रहे हैं। किस तरीके से कमांडो तैनात है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लोग सांसें थाम कर इस रोमांचक पलों को अपने दिलों में अपने दिमाग में तस्वीरों में इसको बैठाए हुए हैं और भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम दिन ये कहा जा सकता है। समय के लिए कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। ताज एक्सप्रेसवे पर हुए इस प्रदर्शन पर एयर मार्शल पटोला ने कहा कि रोड अच्छी बनने की वजह से इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन संभव हुआ। यूपी में 3 जगहों पर इस तरीके के अभ्यास करने की तैयारी है लेकिन अभी इस पर काम 2 से 3 सालों में लग जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल पटोला जी। पटोला जी, इंडियन एयरफोर्स के लिए आज का दिन किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि हमारा एक कैपेबिलिटी बिल्डिंग की तरफ एक और स्टेप आगे हुआ है। जो ऑपरेशनलाइजेशन जो हाईवे स्ट्रेचेस का है वो हमारा KRA रहा है एंड उसमें हमने 2 बार पहले भी, एक बार आगरा हाईवे पे किया और पिछले बार इसी जगह पे किया था। इस समय हमारा स्कोप कुछ ज़्यादा है, इसमें C-130 भी लैंड कर रहा है और उसके अलावा आपने देखा करीब 15 फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। सो कैपेबिलिटी बिल्डिंग बेसिक एम है और उसमें मेरे ख्याल से हमने एक कदम और आगे लिया है आज का। यूपी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, इससे पहले नोएडा एक्सप्रेस वे रहा है। क्या लगता है कि देश में जो भी एक्सप्रेस वे बने वो इस तरीके से है कि इमरजेंसी पीरियड में प्लेन लैंड कर सकें, खासतौर से लड़ाकू विमान?
आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही सोच सरकार की है और कई देश में अलग अलग स्टेट्स में वो स्ट्रेचेज जो हैं नए जो हाईवे बन रहे हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। उनका स्पेसिफिकेशन है इन स्ट्रेचेज का, ये जो अथॉरिटीज हैं जो उनको डेवलप कर रही हैं उनको दिया जा चुका है, सो दैट जब ये पूरा तैयार हो उसका एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के बाद अब कहाँ आप इस तरीके का रिहर्सल करेंगे? ये अभी तो यहाँ पे यूपी में ही 3 स्ट्रेचेज और हैं जो आइडेंटिफाई हो रखे हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम थोड़ा है क्योंकि वो जो हाईवे हैं अभी अंडर डेवलपमेंट में हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल और उसमें लगेगा। लेकिन ये दो जो स्ट्रेचेज हैं हमारे फुली ऑपरेशनल हैं एंड स्पेशली ये हमारे पूरे स्पेसिफिकेशन में बनाया गया है, जहाँ कभी भी इसे ऑपरेशनलाइज करने में आपको मैक्सिमम 2-3 घंटा लगेगा विद फुल ट्रैफिक डाइवर्जन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल 2-3 घंटे में ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है जिसको ऑपरेशनल किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से देखें, भारतीय वायुसेना के लिहाज से देखें, पड़ोसी मुल्कों के लिए कितनी बड़ी चेतावनी मन? ये चेतावनी नहीं, ये खाली कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, खाली कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर टच डाउन कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, और जो एयर मार्शल है बटोला जी उनका कहना है कि 2-3 घंटे में इमरजेंसी पड़ने पर वो इस तरीके के ऑपरेशनल एयरफोर्स कर सकती है। समय के लिए ग्राउंड जीरो से कैमरामैन तिलकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेस वे पर कुल मिलाकर 17 लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि हमें गर्व है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उनसे बातचीत की संवाददाता आलोक गुप्ता ने। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स के 17 लड़ाकू विमानों ने अपना कर्तव्य दिखाया और इस कर्तव्य को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ लखनऊ से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का रोमांच आप लोग अनुभव कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज एक हिस्टोरिक इवेंट है और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और प्लेन हमारे सामने से निकल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लगता है भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत होगी इस रिहर्सल के बाद दुनिया के मानचित्र पर? बहुत मजबूत होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया वो है। आप यहाँ पर हैं मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये एक बहुत गर्व का क्षण है हमारे भारत के लिए कि हमारी एक तो सड़कें इतनी मजबूत हैं कि इतने बड़े बड़े विमान भी उस पर उतर सकते हैं, और एक भारतीय जनता में बहुत ही मॉरल बूस्टिंग है, ये बहुत आत्मविश्वास जगा रहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में अब तैयार हैं। बिल्कुल, भारतीय लोगों का, भारतीय सेना का मॉरल बूस्ट कर रहा है भारतीय वायुसेना का ये रिहर्सल। बच्चे भी हैं कुछ, बेटे आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और बहुत अभी आ रहे हैं तो उसे देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, कितना रोमांच फील कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसके लिए आई हमारी कंट्री एक स्टेप आगे जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्लाइट चल रही है जिसमें यहाँ देख रही हूँ सारे लोग हैं, आर्मी, एविएशन, इंडियन एयरफोर्स, पुलिस, इतनी सारी चीजें देख के, और जो ये सारी लैंडिंग हो रही है, ये जो फील है हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, एक अजीब तरह सा एक्साइटमेंट है। शायद ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितनी एक्साइटमेंट होती है आज उतनी ही हो रही है। बिल्कुल, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर रहती है, देशभक्ति की भावना रहती है, वैसा ही कुछ रहा। और जैसे ही कोई भी लड़ाकू विमान इस स्ट्रिप पर उतरता है लोग सलूट करते हैं और ताली बजाकर इस्तकबाल करते हैं कि भारतीय वायुसेना दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। ग्राउंड जीरो से समय के लिए कैमरामैन तिलकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। ताज एक्सप्रेसवे पर हवाई करतब दिखाने और टच एंड डाउन के संपन्न होने के बाद हरक्यूलस ग्लोबल मास्टर वाल महक विमान गरुड़ कमांडो और उनके साजो सामान को लेकर रवाना हो गए। इस मौके पर एयर स्ट्रिप में मौजूदा हजारों लोगों और 2000 के करीब मौजूदा विशिष्ट लोगों ने हाथ हिलाकर व्यवस्था में लगे कमांडोज को विदाई दी। भारतीय वायुसेना के इतिहास में 24 अक्टूबर का दिन मील के पत्थर के तौर पर दर्ज हो गया है क्योंकि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के 17 लड़ाकू विमानों ने सफलतापूर्वक टच डाउन किया है और तमाम जो रोमांचकारी जो दृश्य हैं वो यहाँ के लोगों ने देखे, इसके गवाह बने हैं। यहाँ पर जो मालवाहक युद्धक विमान है हरक्यूलस, वो सबसे पहले उतरा था C-130 और जिसकी क्षमता 19,950 किलोग्राम की है, जो कि गरुड़ कमांडो को लेकर यहाँ पर उतरा था। वो दृश्य भी सबसे आ, 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 आ,
जिसमें कि जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है और भारतीय वायुसेना की शान कहा जाता है, इसी विमान का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है अब से कुछ देर में खुलेगा और इसी हिस्से से आज सुबह जब भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर युद्ध का अभ्यास शुरू किया था, रिहर्सल किया था इस रनवे पर, और उस वक्त ये देखिए जिप्सी है जो कि पहुंच रही है इस C-130 हरकुलस विमान के पास। इसका पिछले दरवाजे खुल गए हैं, कमांडो एक बार फिर से उतरे हैं। सबसे पहले ये जिप्सी उतरी थी और अब फिर से अब गरुड़ कमांडो अब यहाँ से जो रिहर्सल था, जो अभ्यास था, जो प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई है। अब एक एक करके कमांडोज वापस C-130 विमान में चढ़ रहे हैं और भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन एक मील के पत्थर के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। और वायुसेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ये काफ़ी सफलतापूर्वक उनका अभ्यास है, वो सफल रहा है और प्रदेश में कई जगह पर ऐसी भी हैं जहां आने वाले दिनों में इस तरीके के अभ्यास फिर से दोहराए जाएंगे। C-130 दोबारा हवा में उड़ान भरने के लिए तैयार है। आकाश भी गूंजा है, उन्नाव की धरती का जमीन भी गूंजी है। ये धुंध है जो बता रही है कि जो दुश्मन मुल्क है वो होशियार रहे, भारत की एयरफोर्स उन्हें इसी तरीके से किसी भी पल धूल में उड़ा सकती है अगर किसी ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से यानी कि ग्राउंड जीरो से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर ये रोमांचकारी पल जो उसके गवाह बने आज हजारों लोग और खास करके उनके लिए ये बेहद खुशी का मौका है जिनके प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के बीच ये जो अभ्यास था ये हुआ, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के लिए भी गौरवशाली था क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा और उन लोगों के लिए भी गौरवशाली था जिन्होंने इस रोमांचक को, इस इतिहास को अपनी आंखों से देखा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे समय यूपी उत्तराखंड के साथ।